हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी बैच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इससे पहले आपके पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं क्वेश्चन के, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे न्यू अपडेट जो भी चैनल पे आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट समय को वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, ये आपके कल के क्वेश्चन हैं जो कि हमने आपके पार्ट थ्री में क्वेश्चन करवाए थे, और ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए दिए थे। फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो प्लेग बीमारी होता है उनको फैलाने में सहायक हो, यानी उनका एक स्रोत है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चूहा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चूहा होता है वो प्लेग जो महामारी होता है उसको फैलाने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? वनस्पति विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है एकलर, बी है हिप्पोक्रेट्स, सी है अरस्तू, डी है थियोफ्रेट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप वीडियो को पॉज करें, हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थियोफ्रेट्स हो जाएगा, क्योंकि जो फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफ्रेट्स के द्वारा इनकी खोज की गई थी वनस्पति विज्ञान की। फ्रेंड्स, इधर अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तू। सो फ्रेंड्स, अरस्तू के द्वारा आपके जीव विज्ञान की खोज की गई थी, यानी बायोलॉजी की, फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपको बताना है शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए। आप देखते हैं कि कवक जो होता है वो आपका फंजाई होता है, यानी फंजाई होता है, फंक्स जिसको बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, जो कवकों का अध्ययन होगा ना वो फंजाई यानी ये नहीं होगा, माइकोलॉजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका देखिए शैवाल क्या होता है, एलगे होते हैं, एलगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये फाइकोलॉजी होगा, यानी आप इसको उल्टा से रिलेट कीजिए। देखिए, माइकोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को कहा जाएगा। ट्रिक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। देखिए, फंक्स होता है कवक, और जो आपको फाइकोलॉजी दिया गया है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आप इससे उल्टा रिलेट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विषाणु की खोज किसने की थी? आपको बताना विषाणु की खोज किसने की थी, जिसको बोलते हैं वायरस। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इवानोवस्की के द्वारा किया गया था विषाणु की खोज। फ्रेंड्स, यहाँ पर अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, लुई पाश्चर जो है ये आपके रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? फ्रेंड, जो सजीव एवं निर्जीव के बीच की श्रृंखला होती है उसे क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, देखिए जो आपका लिविंग होता है और नॉन लिविंग, इनके बीच की जो आपका सीरीज बनती है उन्हें आप कह जाते हैं वायरस। फ्रेंड्स, वायरस को क्या कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सीरीज को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वान लिवियन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये लुई पाश्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स, पाश्चुराइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है जो पाश्चुराइजेशन है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है पूर्णतः। फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको देख रहे हैं सामने, ऑप्शन ये कह रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ये है लुई पाश्चर ने इस विधि को
ईजाद किया। फ्रेंड्स, लुई पाश्चर ने इस विधि को ईजाद किया, जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है। फ्रेंड्स, की जो लुई पाश्चराइजेशन है, ये इसके जो प्रतिपादन करता है, ये आपके लुई पाश्चर जी हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो लुई पाश्चराइजेशन होता है, इससे जो दूध होता है, आप उसको कुछ दिनों तक सेफ्टी मतलब उसका रख सकते हैं। देखिए, उसको आप फटने नहीं देंगे, ठीक है, दूध आपका ख़राब नहीं होगा अगर आप लुई पाश्चराइजेशन विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है फ्रेंड्स, इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उससे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो लुई पाश्चराइजेशन है इस जो विधि के लिए, फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यानी सेटिस्फाई हो रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबी के टीके की खोज किसने की थी। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी टीबी के टीके की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो कि कवक और शैवालों के बीच एक पारस्परिक संबंध बताता है। फ्रेंड्स, ये आपका लाइकेन होता है जो कि कवक और शैवाल के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, यानी आपको बताना है कि कौन सा पौधा होता है उसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम नामक पेड़ के अंतर्गत जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिया है सुमेलित करें, सूची दिया गया है वन, सूची टू। सूची वन में दिया गया तनों का रूपांतरण, इसमें उदाहरण, यानी आपको बताना है कि प्याज जो है ये किसके तनों का रूपांतरण है, जिमीकंद किसके तनों का रूपांतरण है, इसी प्रकार हल्दी आपके किसके तनों का रूपांतरण है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कूट का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द राइट आंसर। देखिए, ये थ्री से रिलेट करेगा, बी फोर से रिलेट करेगा, थोड़ा आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जो ये है प्रकंद यानी राइजोम, ये आपका हल्दी का उदाहरण है, हल्दी के तने का उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका प्याज दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये प्याज जो है आपका ये सल्क कंद यानी बल्ब के तनों का उदाहरण है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपके ऑप्शन से में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको मिला लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे कोई भी अपडेट आप तक पहुंचते रहें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है। आपको बताना है शुष्कोद्भिद वाला जो पौधा होता है वो कौन सा है। फ्रेंड्स, जो नागफनी होता है ये शुष्कोद्भिद वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। आपको बताना है जो प्लैनर्स होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण जो लाइट सिंथेटिक जो प्रोसेस होता है वो किस भाग से संपन्न होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्डल यानी लैमिना पार्ट से स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। फ्रेंड्स, रंध्र जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है पौधों में, उसमें जो रंध्र है बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जो प्लैनेट्स होते हैं पेड़ पौधे की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर। आप किसी भी पेड़ का अगर एज जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो पेड़ में जो भी वलय होते हैं रिंग टाइप वार्षिक वलय, उनको अगर काउंट कर लेते हैं तो आपको पेड़ की उम्र का पता लग सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्क प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुबेरियन से प्राप्त होता है कार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है। आपको बताना है जो फूलों का नर जननांग होता है वो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग, ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पुष्प का मादा जननांग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जायांग, जायांग जो होता है ये फूलों का मादा जननांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अनीश के फ्लंग यानी आपको पार्थेनोग्राफी के उदाहरण हैं। आपको बताना है पार्थेनोग्राफी के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, इसके जो उदाहरण होते हैं अनीशेक फलन के, ये होता है केला, पपीता, अंगूर, ये सभी यानी ये तीनों आपके अनीशेक फलन के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख
सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन है जो कि पौधों में भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन का संचालन करता है? सो फ्रेंड्स, फ्लोएम के द्वारा पौधों में जो पत्तियों तक अन्य भागों तक जो ये भोजन का मात्रा पहुँचता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, जो जल की मात्रा होती है वो पौधों में जाइलम के द्वारा पहुँचती है, ठीक है, अन्य भागों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स, जाइलम जो होता है एक प्रकार का टिश्यू होता है। सो आपको बताना है कि इसका जो मेन वर्क होता है ये कौन क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है, ये पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। फ्रेंड्स, ये भी आपका सही है। देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं, जल एवं खनिज लौड़ों का संवहन। फ्रेंड्स, जल का जो संवहन किया जाता है ये पौधों में आपके जाइलम के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए सी दिया गया है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, तो ये फ्लोएम का कार्य है ना कि जाइलम का। सो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन से हैं? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शीर्षस्थ विभज्योतक। फ्रेंड्स, शीर्षस्थ विभज्योतक जो टिश्यू होते हैं ये आपके पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स हरे पौधों में केवल होता है, ना कि जंतुओं में, ना कि कवकों में, ना कि परजीवियों में। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी आपको बताना है, देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग है। फ्रेंड्स, हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो पत्तियां होती हैं आपके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि पेड़ पौधे क्या होते हैं ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? आपको बताना जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर बताइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको हम पढ़ देते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम है। आपको बताना जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश रासायनिक यांत्रिक, अब ऑप्शन बी दिया गया है प्रकाश रासायनिक। यानी आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो दिए गए हैं, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर सत्य है। सो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डेली एक एक पीडीएफ मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।